यार थोड़ा सा। जी साहब आपका ये रिक्वेस्ट है, हमारा ये रिक्वेस्ट है 100%। हम लोग जैसे कहा ना आधी रात के कोकी। हेलो महाराष्ट्र भाई साहब, जो भी गांव की योजना होती यही देते हैं, जो भी समस्या है यही ऊपर लिख कर देते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री तक हो, चाहे मुख्यमंत्री तक हो, चाहे कलेक्टर तक होगा। आपके साथ प्रयास करूंगा तो और करवाऊंगा। प्रधान जी बात सर प्रयास वाली है, हमारे लोग सोच जाते हैं कि कुछ न कुछ कुछ मिले। प्रधान जी हमने लिखित बयान किया भाई साहब, जो भी गाँव की योजना होती यही देते हैं, जो भी समस्या है यही ऊपर लिख कर देते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री तक हो, चाहे मुख्यमंत्री तक हो, चाहे कलेक्टर तक। उनका बहिष्कार इसलिए किया गया है कि हम सभी ग्रामवासी तंग आ चुके हैं, इन नेताओं से तंग आ चुके हैं और सभी सरकारों से तंग आ चुके हैं। हम सब ने सभी ग्रामवासी मिलकर, सभी ऐसे कोई उच्च अधिकारी नहीं है जिसको हमने ज्ञापन नहीं सौंपा हुआ। जिला से लेकर हमने लखनऊ तक का जितने भी अधिकारी सबको दे दिया ज्ञापन। आज हम गोड़ का बहिष्कार किए हैं। जब आप ज्ञापन दिए तो आश्वासन क्या मिलता रहा? आश्वासन सर यही मिलता रहा कि मतलब किसी दूसरे विभाग ने करवाया, इस पर हम कार्रवाई करवा रहे हैं, कार्रवाई करने के बाद आपका काम किया जाएगा। पैसा कुछ स्वीकृत हुआ था? जी जी पैसा स्वीकृत हुआ सर जी, 64,41,000 रुपये, जिसमें से 64 लाख में से 41,60,000 रुपये स्वीकृत हुआ था, जिसमें 34,60,000 रुपये काम करवाया गया था, 7,000 रुपये 7 लाख रुपये जे के खाते में भी पड़ा हुआ है और काम अधूरा है। जी काम पूरा अधूरा पड़ा, 5 पैर खड़े करके छोड़ नहीं बनेगा। आप लोग वोटिंग नहीं करेंगे? नहीं सर, बस हम सब ठान लिया जब तक हमारा पुल नहीं बनेगा तो सभी ग्रामवासी मिल करके वोट का बहिष्कार करेंगे। क्या कर रहे हैं आप लोग? ये एडीएम महोदय सर जी आए हैं, बोले कि हम इस पर रिपोर्ट लगा दें 20 अप्रैल को। हमने उनसे यही कहा कि मतलब आज आप रिपोर्ट लगाए हैं, इससे पहले आप कहाँ थे?